승마나 주네. 그냥 스톤 주네. 소만 조이는 석탄 불나 주네. 아, 아스티 마사바키. 젤피싱 히마라, 히마라 비치 우파스틱. 마니니아, 아스톱 콘지. 젤만 서키 오르기네이션 레박 앤 जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रेसिडेंट श्री पुंचोक तंजिन जी, उसी तरह हमारे सांसद के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डी वांगदन जी, स्टेट के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जिलेश बुबू जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव, मैना मोर्चा के एग्जीक्यूटिव, युवा के एग्जीक्यूटिव, एक्टिव वर्कर्स और यहाँ पे उपस्थित आज हमारे बीच एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री स्कंदाम वांगल जी, साथ ही साथ में कांग्रेस कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने वहां से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में आज अपने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ है, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर संस्कृत के भविष्य में, संस्कृत के आने वाले बच्चों के लिए, संस्कृत के खुशहाली के लिए, संस्कार में जो दो कम्युनिटीज है बौद्ध और मुस्लिम, उसको बड़ा हारमोनियस मैनर में चलाने के लिए हम सबका संघर्ष रहेगा। और आप सबको पता है कि आज हम सब यहाँ इस जगह पे किस लिए उपस्थित हुए हैं, आने वाले चंद दिनों में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का 5th इलेक्शन होना है, तो इसी चीज के लिए, इसी समीकरण को देखते हुए संस्कार के लोग क्या चाहते हैं, संस्कार के लोग अपने डेवलपमेंट के लिए क्या चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, वो सब निर्णय करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सबको जितने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है सबको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या संस्कार में किया है, आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, जितने मेरे पुराने साथी है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे कोई भी है, सभी को भारतीय जनता पार्टी संस्कार का क्या विचारधारा है वो सबको पता है, हमारा लक्ष्य क्या है हमको पता है, हम संस्कार के भविष्य आने वाले बच्चों के लिए काम करेंगे, ये हमने संकल्प लिया था और वो संकल्प लेके आज तकरीबन हमारा संकल्प पूरा होने जा रहा है, संस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलने जा रहा है ऑफिशियली पहुंचकर, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि नियमों को तुम बनकर रोड बनाएंगे और अगले मार्च अप्रैल में हम इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प रहा है आज तक और आगे आने वाले दिनों में भी ये हमारा संकल्प रहेगा। सिर्फ हम सब यहाँ पे मंच पे आके स्पीच करके कुर्सी ढूंढेंगे, पद ढूंढेंगे, अपने लिए सोचेंगे, अपने दिली बच्चे के लिए सोचेंगे, अपने पेट के दाल रोटी के लिए सोचेंगे, हर चीज नहीं करेंगे हम लोग। ये मैंने हमेशा अपने साथियों से कहा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास आप लोगों के लिए सपना है, आप लोगों के बच्चों के लिए सपना है, उसका भविष्य के लिए काम करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ आना है तो कदम से कदम मिला के चलिए, अदरवाइज मैं किसी का ट्रांसफर के लिए, मैं किसी का प्रमोशन के लिए कभी नहीं करता हूँ, अगर ऐसा उम्मीद लेके आता है तो मेरे साथ नहीं आना गलत। बहुत सारे युवा, बहुत सारे महिला हमारे साथ जुड़ के आज तक काम किया है और हम सबको पता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार में संस्कार के लिए कितना जदोजहद करता है, कितना आंदोलन करता है, कितना मेहनत करता है। एक मिसाल बताऊंगा, एक उदाहरण दूंगा। इस सर्दी में हमारे जितने सरपंच से, हमारे जितने पंचायत से, काउंसिलर से, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जाके 45 दिन हर मंत्री का दरवाजा खटखटाया, हर पार्टी के लीडर का दरवाजा खटखटाया, हमें सहयोग मिला। हम आज संस्कार की इस मांग से दिल्ली में रहने वाले अपने नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार करता हूँ, अमित शाह जी का धन्यवाद देता हूँ, नित्यानंद राय जी का धन्यवाद देता हूँ, और हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हमारा जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देते हैं। संस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो निर्णय आप लोगों ने न्यूज पेपर के थ्रू संस्कार के लोगों तक पहुंचा, उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द संस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाना है। मैं खाली इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा संस्कार का आने वाला एक एक दिन, एक एक साल कैसे बीतना है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है। हम कभी ये नहीं करेंगे कि हम लोग इलेक्शन जीत गया, हम पद पे पहुंच गया, हम सरपंच बन गया, हम बीडीसी बन गया, हम काउंसलर बन गया, तनख्वाह खाओ, आराम से बैठो, गांव में फसाद करो, पार्टीबाजी करो, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। हम सब मिलके आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो संस्कार वालों ने इतने सालों में जो अन्याय जो सहा है, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे लड़कियां, हमारे बुजुर्ग, उसको हम सब मिलके हटाएंगे। हम भी लद्दाख के, चाहे ले में रहने वाला हो, चाहे करगिल में रहने वाला हो, हर इंसान के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून हमें वो हक देता है, हमें कि हम भी हिंदुस्तान के आम आदमी के साथ बराबर का काम कर सकता है। हमारा नारी वही अंग है जो दूसरे किसी शहर में रहने वालों के सामने, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास भी हाथ है, हमारे पास भी पांव है, हम सब सोच सकते हैं, हम अपना भविष्य हमको क्या चाहिए। इसलिए स्पेशली आज मैं धन्यवाद देता हूँ कर्जा वंजल की लीडरशिप में, उर्जन जी के लीडरशिप में, जलपो साहब के लीडरशिप में, जितने भी कांग्रेस कमेटी से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, हम आपको विश्वास देते हैं हम गलत नहीं करेंगे, हम संस्कार के लिए लड़ेंगे, हम आने वाले दिनों में अपने बच्चों के लिए स्टेज बनाएंगे, लद्दाख के लेवल पे बनाएंगे, हिंदुस्तान के लेवल पे बनाएंगे, हम संस्कार के लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, आप सबको भी वही इज्जत देंगे, आप सबको भी वही मदद करने की कोशिश करेंगे जो मैंने अपने प्रेसिडेंटशिप में जितना भारतीय जनता पार्टी का पुराना वर्कर है, जितना काम संस्कार के लिए करते हैं, चाहे सोच जूम शाम मुनक हर जगह के लिए हमने जितना काम किया है, गिनने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ में मुझे एक चीज अफसोस है कि हमारा डायनेमिक मेंबर पार्लियामेंट जगमोहन सिंह मंडल जी इस बीच में आ नहीं पाए, उनका पार्लियामेंट में व्हीप चल रहा है, उनको कल शाम को पहुंचना था, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज वहां पे एमपी का हाजिरी लग जाता है, उनकी ओर से आप सबको मैं क्षमा कर मांगता हूं, क्योंकि वो ये इस बीच में इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द हमारा एमपी साहब भी हमारे बीच में होगा। बाकी आप सबको कहने की जरूरत नहीं, मुंबई पार्लियामेंट जगमोहन सिंह मंडल ने संस्कार का नहीं, कारगिल का नहीं, ये का नहीं, चौथा का नहीं, निगरा का नहीं, पूरे लद्दाख क्षेत्र का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में फेमस क्या है, जाने पहचाना मिला है, हम लोगों को एक पहचान दिया है लद्दाख भर के, उनके लीडरशिप में लद्दाख को यूटी मिला, जो हमारा कुशोक बकुला जी का सपना था, उस सपने को साकार करने में उनके बहुत योगदान रहा है, उनके शुभ हाथों से ये सारा चीज हुआ है। तो आप सबको पता है यूटी मिलने के बाद क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, लद्दाख ले और करगिल के लोगों को पता है। उन नेतों को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो ले में बैठा है, चाहे करगिल में बैठा है, जब वो लोग पाते थे
हमारे संस्कार वालों के सत्कार किया था, जरा पूछो उनको, बड़े बड़े गिन्ने मारते थे वो लोग, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या किया भाई साहब। मैं बोलता हूँ संस्कार का सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, हमें हिल काउंसिल में भी बराबर का हक नहीं दिया। लुमरा को 5 संस्कार के बराबर पॉपुलेशन है, चंदाओं को 5, सुरुवेली में 8। ये क्यों ना इंसाफी आप लोगों ने किया, आपके लीडरशिप ने क्या कभी था, क्या आपका बुद्धि नहीं चला क्या? आप ऐसा होने वाला नहीं है, संस्कार वाले जग गया है, हम लोग जग गया है। आज के बाद संस्कार का बराबर हक हम सब मिलकर लेना है और लेके रहेंगे। तो इस सर्दियों में जो चीज हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा आग्रह करूंगा, जिसमें हम सबका बहुत मेहनत शामिल है, चाहे हमारे बीडीसी का शाह हो, चाहे हमारा लिंगा का सरपंच संजीवी भी हो, बीडीसी चाह हो, वो सबसे बड़ी चीज तो उसमें तो मेहनत है। कहा क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल संस्कार, तनखा खाया, गाड़ी में घूमा, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ चला, क्या बीमारी पड़ गया, हम संस्कार के लिए चला नहीं सकते, करगिल से ले तक नहीं जा सकते, करगिल से दिल्ली तक नहीं जा सकते। भाई साहब क्या हुआ, यहाँ से 2 सरपंच जिनका तनखा नहीं है, जिनको गाड़ी का किराया नहीं मिलता है, वो यहाँ से जाके बच्चों को छोड़ के दिल्ली में 45 दिन टेन लगा के बैठता है संस्कार के हित में, संस्कार के लोगों के हक के लिए। उसमें लमसम बोलना है हमारे सरपंच, उसमें हमारा पदुम का तक आज हमारा चिन्हय सांगो जी कांग्रेस कमेटी के थे, मैं धन्यवाद देता हूँ। उस वक्त ऑपोजिशन पार्टी में होते हुए भी ये समझ में आया ये संस्कार की हित में है, इसमें पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए, मुझे पदुम के लोगों ने चुन के भेजा है, इनके हक के लिए लड़ना है, संस्कार के भविष्य के लिए लड़ना है, बल्कि दिल्ली में जाके सबसे मिलकर कदम से कदम मिला के संस्कार की हित में बात किया। उसमें क्या क्या काम हुआ है, अनेक ही काम हुआ है संस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने में, वो संकल्प वो मेहनत। उसी तरह हमारा जूम का सरपंच संजन मैदान, हमारा ठे का सरपंच, हमारा अभरंग का सरपंच, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि जितना मेरे बुद्धि में ज्ञान है, जितना दिमाग में ज्ञान है, जितना नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी मिले, सरपंच मेरी तरह बने, बीडीसी मेरे तरह बने, हमारे संस्कार के लिए लड़े, उनको रास्ता दिखाना मेरा काम था, मैंने रास्ता दिखाया, एक एक लीडर का दरवाजा दिखाया, एक एक लीडर का टेलीफोन दिया, अगर मैं नहीं होगा तो संस्कार के लिए लड़ने के लिए आग लगे, आग लड़ेंगे कल, जरूरी है कि संजीव अप्पा हमेशा आपके सामने आगे चले, संजीव अप्पा के जगह पे आप लोगों ने करना है। और आने वाले दिनों में जितना संस्कार से पढ़ा लिखा आदमी, जवान नौजवान जिसमें खून में बवाल हो, संस्कार के लिए दर्द हो, उनको हम आगे लाके उनको स्टेज देने का काम कर रहा है। हम संस्कार से इतना लीडर निकालेंगे, इतने लीडर को पद पे ले जाएंगे, वो मेरा सपना है। मेरा सपना ये नहीं आप लोगों को कुर्सी दे, उसके बाद आपको गलत रास्ते पे दिखा दे, आप लोगों को जो मुझे आता है मेरा सिखाऊं, जो रास्ते पे आप लोगों को चलाना चाहिए उस पे ना चलाए, उल्टा चलाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज जितना कांग्रेस कमेटी के जवान लीडर्स संघवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं ये विश्वास देता हूँ आज सबके लिए काम करेंगे, आप सबके लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला रहेंगे, वहां तक मैं लेके जाऊंगा, भेदभाव नहीं होगा, हम सबको संस्कार के लिए लड़ना है। और साथ ही साथ में अब सबको पता है, सबको ये अभी सोच रहा होगा इलेक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे भाई, ये तो कुछ और सुना रहे हैं, तो मैं इलेक्शन के मुद्दे पे आ जाता हूँ अभी, है ना। तो अभी एलएचडीसी कारगिल का इलेक्शन एक महीने के अंदर होना है, इस चीज के लिए संस्कार से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं पड़ता होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूरत नहीं पड़ता होगा, या जनरल श्री नंगल के लिए जरूरी नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये हर किसी के दिमाग में होना चाहिए। ये इलेक्शन जितना
हमारे बीते हुए दिनों में इलेक्शन हुआ है या आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाला है, उन सबसे अलग इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हमने संस्कार का भविष्य 100 साल 200 साल तक कैसे चलाना है वो तय करना है, इसलिए संस्कार वालों के लिए इलेक्शन जरूरी है। समझने वाले को समझ जाओ। आज लद्दाख का पॉलिटिकल सियासी माहौल, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा कुछ चेंज हो रहा है। अब सबने देखा है लेबरों ग्राउंड पे जुलूस निकालता है, करगिल में जुलूस निकालता है, बड़ा बड़ा चीज होता है, यहाँ से ये हो जाता है, वहां से वो हो जाता है। आने वाले 6 महीने के अंदर लद्दाख के ऊपर बहुत सारे निर्णय, बहुत सारा डिसीजन लिया जाएगा। उस डिसीजन में संस्कार का हक कानूनन उसमें शामिल होना जरूरी है। संस्कार के आने वाले भविष्य के लिए लद्दाख में जो निर्णय हुआ उसमें संस्कार का भागीदारी क्या होगा, संस्कार के लिए क्या हक मिलेगा, यह जरूरी है। इसलिए इलेक्शन जरूरी है। आपका जाके तो बोल नहीं सकता है, हमारे पास वो शक्ल रहेगा। हमने 3 सीट जिता के दिया है सरकार के सामने, हम सर ऊंचा करके अपने जितने भी लीडर्स है हमारे उनके सामने हम बोल पाएंगे संस्कार के लिए ये चाहिए, संस्कार के लिए वो चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद संस्कार को 100 साल तक कैसे चलाना है उस पर इस इलेक्शन पर निर्भर कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाना है उसमें ये सारा रोल प्ले करेगा ये इलेक्शन। इसलिए हम सबको एकजुट होकर, हाँ मुझे पता है आप सबको घर में काम होता है, इस इलेक्शन में जिंदगी में जितने इलेक्शन आया और आने वाले आपने काम नहीं किया होगा इससे ज्यादा इस इलेक्शन, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें सहयोग देंगे। हमारा जो जमीन से लेके हवा तक सौदा निकल रहा है, आसमानी जहाज कब उतरेंगे, बड़े बड़े चीजों चीजें हमने किया है और इन सब को पूरा करना है। श्रृंखला टनल को कंप्लीट करना है, संस्कार पे एग्रीकल्चरल जो हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उसमें रिफॉर्म लाना है। उन सबको काम करने के लिए हम सबको एकजुट होकर इलेक्शन में बड़ा होशियारी के साथ काम करने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अब सब जितने भी अभी ज्वाइनिंग हुए इन सबको मैं स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं बड़ा ईमानदारी से बड़े अच्छे ढंग से आप सबको भी लेके चलेंगे। जितने लीडर हैं जो ज्वाइन हुए हैं उनको भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, उनको दिल्ली तक लेके जाएंगे। अदरवाइज क्या होता था, हम लोग यहां से जाते हैं करगिल चौकिंग में खत्म हो जाता था। हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर आज मनीरिंगों से छलांग मारेगा, करगिल चौकिंग पे बैठेगा, दिल्ली में आवाज नहीं पहुंचेगा, सरकार तक बात नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। वैसे दम है तो अगर सच है तो बता दो, उतार के दिखा दो कल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबल पे, नहीं है खत्म हो गया। लोगों को बेवकूफ बनाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी है, बताओ समय ही ना हो नेशनल कॉन्फ्रेंस करे मैं तो सब कारोबार से बोल रहा हूँ बिल्कुल इलेक्शन आसान में सोने साथ तो करो ले नरेंद्र मोदी स्कूल दोनों में जमो चुस्ते खचू ले ना होना चाहे कोई कर चुस्ते तो मुझे इसको तो बोल दीजिए मैं क्यों ना जांच करे ना मैं क्यों ना ले ना मैं क्यों ना कर गिरी ना इन उसको खचू यंग चिनाव इस बार तक भारतीय जनता पार्टी खचे नोट करनो प्लान नोट करनो पिकाना नोट करनो तो सब में गलत है। बता भारतीय जनता पार्टी परिवार नाम को चिनाव फूंगा तुंडल दुष्ट है चुनाव समय के बाद सोचते मतलब संस्कार डिस्ट्रेट में खेलते से मतलब सरकार जी दिन से उठा के डूबे में उठा के डूब चुके से सोचते समय ना जो नौ मिनट पे जुगोज में तेरे बताया यंग स्टोर किवन में आ चुके से ना ग्रीन मैंने यंग लंबा चौड़ा स्पीच चुना था ना यंग नाउ सेशन सोचते समय मतलब जिन सब जगह को मतलब तो उन्हें तो पाए जुचेज में तो मैंने वहाँ तो फर्चेज में नहीं मेरा
काउंसलर, जूए काउंसलर फंक्शन का इसी कुर्सी का जूस पे वह तो बोला था ऑफिशियल टूर पिग्मोटा सा ऑफिशियल टूर लोकल नेता सा मैं करो पार्टी बाय पार्टी चोला चार गए हाँ सर यहाँ साल ना पार्टी यहाँ से स्वेता ना हाँ यह जुंकर लता सा तो ये ऐसी कितनी फंक्शनर यों तो पांच सर पांच मेंबर गोवा उनका खास कर दिया जाते संस्कार एग्जीक्यूटिव काउंसलर इन तू आशुनी तांसे दो तीन मोनी तांसे कर जाक चुपा को नोकर लटू ले रहता हूँ घोषित तीन मतांस ची सॉन्ग ची ना जो यो मचात पा अधिन नदार गांव पे ना नदार गांव पे ना वहाँ मैं हैरान सा रहा यक्षी छोड़ आला एलआईसी कारगिल एग्जीक्यूटिव काउंसलर किसी के ऑफिस में जे रहा था उसे पत्ती शुरू से कान जी खाला पुलिस से बैठे छोड़ दिल से कान जी संस्कार पे थे हमें छोड़ा लड़का हमें संस्कार पे हमें छोड़ा लड़का अच्छी ना फिर तो सांते ना छो किसी कुछ तो मांग पे तो संभाल सारी चीज में तो नहीं संस्कार है मैं इन चीजों में तीस पुलिस हम आकर डायरेक्शन में आकर रुटी पे क्या चीज में बताने पर इलेक्शन है सिर्फ ना इलेक्शन है कैंपेन है ना साल शुरू बड़ा अबार पांच चलो गांव दिन में न्यून मनी निजू नहीं करने मैसेज था खचिर ठेकेदारी चोसे गोतन खचिर रात आओ खचिर चुपको चोचे से ना लुस ठेकेदारी खचिर रात ठेकेदारी में ना पार्टनरशिप चल रहा हूँ मैंने फ्रॉम ये लोग हैं बुत मैं मरा थक पे का तो कम गिजोत शाम लांग गिजोत गिजोत ना ताजुम लांग गिजोत उन्ना लांग गिजोत बंदो छंग में चीन इनकान बिलुंगा पे कंसलर ये नहीं हूँ चुप छंग में पिया ना सोचे से सुनो सोच पे ना जब शिम हम पुजी गोंग थे हैं पापे मना सा है क्या इन्ना संकान यूँ ही चोर रोशन से ते नहीं समझ ऐसा कैसे मैं बिलुंग दुगो सांचो पे मैं थाने सारा मसाला सारा मसाला भारतीय जनता पार्टी नंगा स्कूम्मा समर टांगो बच्चे मन रहे हैं स्कूम्मा समर टांगो बच्चे दिन सर संजीन लाख पर थाने ना कुछ तो खेल पांचे सवाल मिलते हैं संजीन लाख पे जो सी का वर्कर चिचिक नी चिचिक ना खेल मानी सन गोखो गोम दिन लाख गोम चुक ने लाख नियोज पर ही जो से मेंकान जो से स्कूम्मा स्कूल से ने वार कर जी मैं ना कुछ कर समझी ने नंबर पे चिचा ने फिल्मा सन निचु चे पसु मितां सुन मितां मैं से या पेज निचो या बात चला तू तो मितां रा या को समझ ये खान बता मैं चुप कोई दूर निचु फिर का दरें ना टंडल स्कूल से ताऊ निचु दिल स्कूल पे ऐसा के बता फोन मितां बता कहीं इनका ने लास्ट चुन पे कहीं इनका ने लास्ट पोज आस्कार पे नलबाचन रितुज ना चुप्पो ना सुतंगा कुन्यम ना पंचे से मत आते लास्ट पे जैसे थाने संगा तुझे सिनो जब मैं पतंग करते रोड पे ना लगता कौन से शेपाप या मिनस्टिड ला अप्रैल मई में क्या मता ये नहीं मता फंसपुर की तो तो फंस पे तंचे से मत तुम ये ना मान ले तंचे ना तंचे मान संगा जोर जोर से मत हाँ मता ते लास्ट पे जैसे मत ते ना मेंबर पार्लिमेंट जनरल श्री नंदर स्कूल जांसकार ना तांग से टूर सारा जात यह समाज तो घिस में लोकर में लाइन मर गए तो लड़ाक गांव पे ना ना लोकर में लाइन मर गए सोते ने चाता आगा चना दरेज आगा चना सुरु आगा चना मुगा आगा चना ले जुए आगा चना तेरे में ये लो सुनशी कर चुके थे ना लेकिन जांसकार ने ना रिकॉर्ड यो कि लो चिची भी ना को तेरे मर गए ना टूर सारा जात Eni yine azor, lojum üstüden dur. Te hesap ve zanskar peskalan samas nelkek ha. Te hesap ve zanskar peskalan kurti dinli jelta sana eskak ha. Dünya parlament seçen bir yara. Parlament seçen bir yara. Yada siz kardeş kadar mata, zanskar peskalan kadar mata. Yada mı izle sayısı ben bizi dinli jelta. Söyledim ki sana, yada sana. Ne-a
जब डोनाल्ड ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप विंचन होया क्या क्या संते में तांत्रिक चुपा कर संस्कार पर बहुत कुछ बना रहे थे क्यों जो ना हमें पता दिन चुपा संस्कार पर ना पची बस पचोस चीज लोग चोस कर गिरे हिल कंसर्न में सास नंबर मशीन बच्चे ये कुछ भी आना तो कुछ लक्ष्य करूं चर्ची मामा को तुझ क्या काम है तेरे में शेप करना दाऊद सामान छोड़ देते ना लंग ना राशा को ना फलन की ना प्लास्टिक सामान का ना लटका ने चर्ची सामान आता लटके ना निमित्त और आता नाम के लिए दुख से तार शोपे इलेक्ट्रिसिटी निते समय का लगन चुचे से ना काटी का है स्पेल के मंत्र मजूल है ने चिंगा ना निम तक पानी तुझे चे ना निमार निमार ना तेरा कैसे ते देख मा इंदमनी काम के देश के तंदर तेरा तो ना काशम निमार देश के ते देश के निमार देश के ते देख हर तेरी खाई मास पे का ना हर तेरी निकाल ना भारतीय जनता पार्टी का इच्छित या इच्छित सोचते नंबर पार्लियामेंट जनरल श्री मंजला इच्छित सोचते पर भारतीय जनता पार्टी उसको समय इससे सोचते नरेंद्र मोदी सरकार ला इससे सोचते फिर मता कांग्रेस कमेटी जून बोलोगे हला संस्कार बोलोगे कांग्रेस कमेटी पूरा कहीं आखा कांग्रेस एजेंडा फंसते पुलिस चूसते मैं सरकार जो मैं पे जिंदाबाद ना ना पे जगह रानी छतर नाम से छा ये कष्ट का बच्चे पर नींद तक पानी पीजे छे ये फैसला नहीं काम दे गलत समझेर पे मैं तो बिल्कुल गिर चुकी ये सही चीज़ थी सही टाइम में कजास्कर लिंपा ठंके से लाश चुकी